हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम टॉपर्स के द्वारा अपनाई जाने वाली ऐसी ट्रिक्स की जो वो अपनी कॉपी में आजमाते हैं और उसकी वजह से उनको और लोगों की अपेक्षा ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं और वो एग्ज़ाम टॉप कर जाते हैं। तो आपको भी ये टिप्स अपनी कॉपी में आजमानी चाहिए और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत आसानी से इन छोटी छोटी बातों को आप भी अपनी कॉपी में अप्लाई कर सकते हो। तो आइए सीख लेते हैं कि कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए एक बोर्ड एग्जाम टॉपर की कॉपी में आपको दिखा करके ये चीज़ें समझाने वाला हूं। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि इस तरीके की अपडेट्स और वीडियोज़ पाने के लिए आपको इंतज़ार ना करना पड़े। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कमाल के एप्लीकेशन डाउटनेट के बारे में, जिसकी सहायता से आप क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के केमिस्ट्री मैथ्स के सॉल्यूशन 2 सेकंड में बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए आपको फोटो लेना है, फोटो को स्कैन करना है और इसको क्रॉप करके भेज देना है और तुरंत 10 सेकंड के अंदर आपको ढेर सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। जो सॉल्यूशन आपको पसंद आए उसको देख लीजिए। इनके व्हाट्सएप नंबर पर भी आप फोटो को स्कैन करके भेज सकते हो, वहां पर भी आपको सॉल्यूशंस तुरंत 10 सेकंड के अंदर मिल जाएंगे। दोस्तों, अपने टीचिंग करियर में अर्जित ज्ञान बच्चों को सिखाने, पढ़ाने और खुद के द्वारा सीखी गई चीजों के दौरान प्राप्त जो भी अनुभव हमको हुआ है और अपने बड़ों से, अपने टीचर्स से जो कुछ भी अनुभव हमको मिला, जो कुछ भी मार्गदर्शन मिला, उसके आधार पर एक बोर्ड एग्जाम की कॉपी की एनालिसिस मैं कर रहा हूं और मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगा कि किन किन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके आप भी बोर्ड एग्जाम टॉपर्स की तरीके से मार्क्स पा सकते हो। और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा ताकि आधा अधूरा ज्ञान आपको ना मिले। पहली बात मैं आपको बता दूं, पहली टिप जो है वो है कि आपकी हैंडराइटिंग जितनी संभव हो उतनी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। एक अच्छी हैंडराइटिंग का फर्क ये होता है कि जो आपका पहला इंप्रेशन उस एग्जामिनर पे पड़ता है वो आपकी हैंडराइटिंग का पड़ता है। आप खुद को अपनी हैंडराइटिंग और अपनी साफ सुथरी लिखावट से वहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हो और इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जब कॉपी चेक करते हैं हम लोग तो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको प्रभावित करती है वो आपकी हैंडराइटिंग होती है। अब आप कहोगे सर मेरी तो अच्छी नहीं है या मैं अब हैंडराइटिंग कैसे सुधार लूँ इतने दिनों में, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप सुधार सकते हो या जो भी कर सकते हो, बस ये प्रयास करिएगा कि साफ सुथरा लिखा हो। जितनी अच्छी हैंडराइटिंग बना करके अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो उतना प्रयास आप करिएगा। बाकी की भी टिप्स हैं जो आपके काम में आने वाली हैं, तो हैंडराइटिंग का प्रभाव पड़ता है। आइए मैं आपको बोर्ड एग्जाम टॉपर की कॉपी दिखाता हूं। तो एसएसटी की कॉपी हमने खोल रखी है, एक बोर्ड एग्जाम टॉपर ने अपनी कॉपी लिखी थी और उसमें किन किन चीजों का उसने ध्यान रखा है देखिए। एसएसटी की कॉपी में क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले उसने इंट्रोडक्शन लिखा है कि मैं क्या क्या लिखने जा रहा हूं, उसके बाद में थोड़ा सा स्पेस छोड़ा है गैप ताकि इसके इंट्रोडक्शन की जो बॉडी है वो अलग दिखे इसके पॉइंट्स से। अब पॉइंट वाइज इसने आंसर्स लिखे हैं, देख लीजिए हैंडराइटिंग कितनी नीट एंड क्लीन है। यही हैंडराइटिंग आपको वहां पे बना के लिखनी चाहिए। अब जितना संभव है उतना अच्छा आपको लिखना चाहिए और अक्षरों के बीच में दूरी हो, जो आपको अच्छे कीवर्ड्स लगते हैं, जो आपको लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है इस आंसर में, उनको अंडरलाइन भी करना मत भूलिए ताकि उस एग्जामिनर की निगाह उन शब्दों पे पड़ जाए और ये शब्द आपको इम्पॉर्टेंट मार्क्स दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जितना संभव हो पॉइंट वाइज लिखिए, उन पॉइंट्स के अंदर जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको अंडरलाइन करना मत भूलिए। और जब लास्ट में आप पहुंचो बच्चों तो वहां पे अपना कंक्लूजन भी आपको लिखना होता है कि इन सब का मतलब क्या है। जैसे इस बच्चे ने लिखा है, दस ट्रांसपोर्ट इज प्री रिक्विसाइट फॉर लोकल एंड नेशनल डेवलपमेंट, कि ट्रांसपोर्ट हमारे लोकल मतलब स्थानीय और राष्ट्रीय विकास के लिए एक प्राथमिक जरूरत है। तो यहाँ पे अब आप इसको देख करके समझ सकते हो कि कितनी नीट एंड क्लीन कॉपी यहाँ पे लिखी गई है, कितना अच्छे से अंडरलाइन किया गया है। तो ये थी पहली टिप, हैंडराइटिंग को नीट और क्लीन रखना है।
दूसरी टिप बच्चों है कि अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हो जिसमें डायग्राम्स बनाने हैं, फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी का एग्जाम है या क्लास टेंथ में साइंस का एग्जाम है या कहीं भी किसी भी जगह पे अगर कोई डायग्राम बनाना है, तो आपका प्रयास ये होना चाहिए कि डायग्राम बिल्कुल साफ सुथरा हो, डार्क बनाया गया हो और जितनी ज़्यादा आप कर सको शेडिंग करने से वहाँ पे बचना है। एग्जाम में जो भी डायग्राम आप बनाओगे उसकी लेबलिंग करना आपको नहीं भूलना है। लेबलिंग करने का मतलब होता है उसके डिफरेंट पार्ट्स के आपको नाम लिखने होते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है, और जब भी कोई चीज़ डिस्क्राइब करो और आपको उसका डायग्राम आता है जरूरी समझो तो बीच में बना दीजिए डायग्राम, बीचों बीच में बनाइए ताकि आपके डायग्राम को कोई भी एग्जामिनर इग्नोर ना कर पाए। तो यहाँ पे नीट और क्लीन डायग्राम का होना बहुत जरूरी है और उतनी ही जरूरी यहाँ पे लेबलिंग है। नीचे फिगर का नाम लिखना आपको नहीं भूलना है कि आपने बनाया क्या है, तो इसका प्रभाव पड़ता है। और जहां भी डायग्राम आपको बनाना है साफ सुथरा डायग्राम आप बनाओ बच्चों। तीसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई क्वेश्चन पेपर बनता है, आप किसी भी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, तो वहां पे एक सीक्वेंस होता है और अगर आपको आंसर्स उस सीक्वेंस में आ रहे हैं तो उसी सीक्वेंस में आपको आंसर देना चाहिए। इसका प्रभाव ये पड़ता है बच्चों कि जब आप सीक्वेंस में आंसर देते हो तो एग्जामिनर को अपनी मार्किंग करने में दिक्कत नहीं आती है, उसको एक टेबल भरना होता है और उस टेबल में आपके मार्क्स चढ़ाने होते हैं, तो सीक्वेंस से जब वो चढ़ाएगा तो इरिटेशन ज़्यादा नहीं होगा। अब मान लिया आपने क्वेश्चन नंबर 10 कर दिया, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हो, फिर आपने 7 किया या 8 किया, फिर आप 1 कर रहे हो, तो इससे उसको इरिटेशन हो सकता है और वो परेशान हो सकता है, इससे गुस्सा हो करके आपके नंबर भी काटे जा सकते हैं। हालांकि जरूरी नहीं कि कोई नंबर आपका काटे और ना किसी की प्राथमिकता ये होती है आपका नंबर काटने की। तो यहाँ पे सीक्वेंस का भी ध्यान रखना है कि जितना संभव हो सके आप उतना ज़्यादा सीक्वेंस को फॉलो करिए, लेकिन ये जरूरी भी नहीं है, अगर संभव हो सकता है तभी फॉलो करिए, नहीं तो इसकी बाध्यता आपके लिए नहीं होती है। अब यहाँ पे आपको एक बात और समझनी है, जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि जब भी आप एग्जाम में आंसर लिखो तो वहाँ पे दो आंसर के बीच में आपको स्पेस छोड़ना है, और ये स्पेस इसलिए जरूरी है ताकि एग्जामिनर को ये समझ में आ जाए कि यहाँ पे आपका आंसर खत्म हो गया है। अब जब आप ऐसा करोगे बच्चों तो क्या होगा कि उसको मार्किंग करने में आसानी होगी। जैसे एक क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं ए बी सी करके है, और ए बी सी का आंसर जब आप लिखो तो उसके बीच में भी आपको थोड़ी सी दूरी छोड़नी है ताकि उन ए बी और सी के मार्क्स वो अलग अलग लिख पाए और उसकी टोटलिंग भी बगल में कर पाए। तो यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इन सारी चीज़ों के अलावा आपको दो आंसर्स के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस छोड़ना है ताकि उसको ये पता चले कि ये इतना आंसर एक है, इतना एक है और बाकी की चीजें एक हैं। तो यहाँ पे अलग अलग आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि प्रॉपर आंसर का सीक्वेंस होना चाहिए, आंसर के बीच में स्पेस बहुत जरूरी है बच्चों। जो नेक्स्ट टिप मैं आपको दे रहा हूं वो ये है कि कभी कभी अगर आपको ऐसा लगता है, वैसे नॉर्मली सीबीएसई प्रयास करती है या आपके जो स्टेट बोर्ड्स हैं वो प्रयास करते हैं कि कोई भी रॉन्ग आंसर, रॉन्ग क्वेश्चन या आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन ना पूछा जाए, लेकिन फिर भी संभावना रहती है और कभी कभार ऐसा होता है, चाहे आईएससी बोर्ड हो, आईसीएससी हो, सीबीएसई हो या स्टेट बोर्ड्स हो, बहुत सारे क्वेश्चंस कभी कभी ऐसे आ जाते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस क्लेम किए जाते हैं, और कभी कभी ऐसा पाया भी जाता है कि वो क्वेश्चन या तो रॉन्ग था, गलत पूछ लिया गया था, या डिस्प्यूटेड क्वेश्चन था जो नहीं पूछा जाना चाहिए था, या आउट ऑफ सिलेबस था। तो उस कंडीशन में वो बोर्ड ये डिसाइड करता है बाद में कि इसमें जितने बच्चों ने इन आंसर्स को अटेम्प्ट किया होगा, उत्तर देने का प्रयास किया होगा, उन सबको फुल मार्क्स दे दिया जाए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपकी निगाह में अगर पड़ता है, आपको लगता है कि ये आउट ऑफ सिलेबस है या ये क्वेश्चन गलत है, तो उसको आपको छोड़ना नहीं है, उसको तो हर हाल में आपको अटेम्प्ट करना है ताकि बोर्ड एग्जाम के बाद में जब
बोर्ड ये डिसाइड करे कि ये आंसर हमको हटाना है, ये क्वेश्चन हमको हटाना है, तो जब अगर आपने उसको अटेम्प्ट किया होगा तो उसके मार्क्स आपको फुल मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन आता हो या ना आता हो, दो लाइन, एक लाइन, तीन लाइन, कुछ भी लिख दीजिए उसमें, चाहे आंसर सही हो या गलत हो, उस कंडीशन में आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे और आपका फायदा हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट टिप पे हम आते हैं कि जब भी आप आंसर लिख रहे हो बच्चों, तो एक चीज का ध्यान रखो कि जो आंसर लिख रहे हो, अगर वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपका कोई, तो उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जो कुछ भी पूछा गया है उसका जो आंसर आ रहा है उसको बॉक्स में बंद कर दो या अलग अलग कर दो। तो इससे क्या होगा, फटाक से उस एग्जामिनर की निगाह इस पे पड़ेगी और वो इस चीज को जान जाएगा कि आपने अपना आंसर यहाँ पे किया है, और उसको तुरंत आपके क्वेश्चंस को समझने में दिक्कत नहीं होगी, तुरंत वो आपको मार्क्स दे देगा। तो ये मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा दे रहा हूँ, एक बोर्ड एग्जाम टॉपर ने इस तरीके से अपनी कॉपी में लिखा हुआ है। और मैं इसका एक और दिखा देता हूं आपको, ये भी देख लीजिए किस तरीके से डायग्राम्स नीट एंड क्लीन बनाए गए हैं। बगल में अगर कहीं कोई चीज गलत हो गई है तो उसको कट किस तरीके से किया गया है ये देख लीजिए, थोड़ा सा कट करके बगल में आंसर लिख दिया गया है जो भी आया है। उसके बाद में जो लास्ट में इनका मेन आंसर आया है, इसको इन्होंने बॉक्स में बंद कर दिया है। ऐसा बहुत से बच्चे करते भी हैं और ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप भी अपने हैबिट में इन चीजों को डाल लो ताकि जब भी आप आंसर लिखो तो इन चीजों को फॉलो कर सको वहां पे, और आप भी आंसर इस तरीके से लिखा करो। तो बच्चों ये बातें थी जो टिप्स हमको आपको देनी थी, लेकिन चलते चलते मैं एक टिप्स आपको और दे दूं। वो टिप क्या है, वो ये है कि जब आप पूरा कॉपी कंप्लीट कर चुको, सारे क्वेश्चंस लिख चुको, आंसर दे चुको, उसके बाद में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वन से लेकर के मान लिया 40 क्वेश्चंस आए हैं, तो किसी कॉपी में वन से लेकर के 40 तक का नंबर लिख लो और टिक लगाते जाओ, कॉपी पलट पलट के देखते जाओ कि कौन कौन से नंबर का क्वेश्चन आपने किया है। तो बाद में क्या होगा कि अगर आपने कहीं कोई क्वेश्चन गलती से छोड़ दिया होगा तो वो बिना टिक लगाए रह जाएगा और आप जान जाओगे कि ये क्वेश्चन हमारा छूट रहा है। तो 10 या 15 मिनट पहले टाइम रहते ही इसका रिविजन कर लो और ये देख लो कि क्या आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। अब जो भी तरीका आप आजमाओ, मैं नहीं कहता हूं, मैंने तो ये तरीका आजमाया जब भी मैंने एग्जाम दिया, तो आप जो भी तरीका आजमाओ, बट आप ये क्लियर कर लो कि जितने भी आंसर्स आपको देने थे क्या वो सारे आंसर्स आपने दिए हैं या कहीं कोई आंसर छूट गया है। अगर छूट गया है तो उसको अभी भी 10 मिनट का टाइम बचा होगा, उसको जल्दी जल्दी लिख दो। तो इस तरीके से दो एक नंबर जो छूट जाने की प्रोबेबिलिटी आपकी बन रही है उससे भी आप निश्चिंत भी हो जाओगे, और आपका अगर कहीं गलती से कुछ छूटा होगा तो उसका आंसर भी आप दे पाओगे। तो फिलहाल बच्चों इस वीडियो में इतनी ही बातें। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसी ही टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको बताता रहता हूं इस वीडियोस में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूं फिर किसी वीडियो में, आपके एग्जाम के भविष्य की शुभकामनाओं के साथ विदा लेता हूं आपसे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मे गॉड ब्लेस यू।